उसके साथ ही लिविंग एरिया, ये लिविंग स्पेस है, इसका जो स्क्वायर फुटेज है वो 1145 के करीब स्क्वायर फुटेज है इस पूरे जो टाउन हाउस है उसका। और ये जो है लिविंग एरिया जिसमें आप यहाँ को बीच में टेबल आ गई, ये भी फुल बाथरूम है जिसमें आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी, वॉशरूम और उसके साथ ये भी शावर एरिया आपको सामने मिलेगा। दो ये मोर ऑफ अ डीप साउथ कहते हैं, साउथ ईस्ट में आता है मेनली, लेकिन इसका जो एक्सेस है लेगेसी का 7 मिनट्स की ड्राइव पर ही स्टोनी ट्रेल आ जाती है, उसका एग्जिट आपको मिल जाता है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों के, खैरियत से भाई। आज मैं देने वाला हूँ एक टूर इस टाउन हाउस का। ये नहीं बताऊँगा, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रखूँगा कि ये किसका टाउन हाउस है, मेरा है किसी फ्रेंड का, लेकिन आज मैं आपको टूर दूंगा। ये 400K का तकरीबन टाउन हाउस है, न्यूली बिल्ड है, अराउंड 3 ईयर्स पहले ही ये बिल्ड हुआ है, और इसका प्रॉपर मैं आपको टूर दूंगा। वीडियो शुरू होने से पहले मेक श्योर, बहुत से लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं है, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं है प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, इससे आप लोगों की जब सपोर्ट मिलती है तो बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाने की हमें इंकरेजमेंट मिलती है। और मेक श्योर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना भी नहीं भूलेगा। स्टार्ट करते हैं यहाँ के गराज से, काइंड ऑफ अ टेंडम गराज जिसमें दो गाड़ियाँ आ जाती हैं आराम से, एक गाड़ी खड़ी हुई है और आगे यहाँ पर दो बाइक्स खड़ी हुई हैं। तो इन्होंने यहाँ पे बेसमेंट नहीं है इसका, गराज दिया हुआ है। अगर यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ, ये 2 लेवल्स है, ये टाउन हाउस है और अटैच्ड है दोनों तरफ, ये पूरा टाउन हाउस का कॉम्प्लेक्स है जिसमें दोनों तरफ इसके हाउसेज हैं। तो ये तो हो गया गराज, गराज को बंद करता हूँ, अंदर चलते हैं और मैं आपको अंदर से इसका बताता हूँ और मैं आपको रिव्यू देता हूँ। अच्छा भाई, जैसे ही यहाँ पर एंटर होते हैं स्टेयरवेज स्टार्ट हो जाती है, स्टेयरवेज आपको मेन लेवल पे लेके जाती है, कारपेटेड स्टेयर्स वे से। तो आए हम मेरे साथ ऊपर चलते हैं और फिर मैं आपको दिखा दूँ कि मेन लेवल पे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मेन लेवल से। जैसे ही एंटर होते हैं यहाँ पे क्लोजेट, ये 2 डोर्स क्लोजेट दी हुई है, यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस है जो कि आप चीज़ें यहाँ पे रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आए एंटर होने के साथ ही बीच में यहाँ पर किचन दिया हुआ है। किचन की मैं लाइट खोलूँ थोड़ी सी, मैं आपको अच्छा व्यू दूँ। तो किचन में अब यहाँ पे आके दिखाएं, कॉर्ड्स काउंटर टॉप वाइट कलर, कैबिनेट्स वाइट कलर, उसके साथ जो है माइक्रोवेव ओवन, डिश वॉशर, यहाँ पे डिश वॉशर है ये, और फ्रिज, उसके साथ यहाँ पे फ्रिज दिया हुआ है। अच्छा, इस टाउन हाउस, यहाँ पे जो डिफरेंट टाउन हाउसेस बने हुए वहाँ पे उसमें 2 टाइप्स की थीम्स दी हुई थी, एक तो डार्कर कलर और एक लाइटर कलर। डार्कर कलर में क्या था, जो आप ये जो फ्लोरिंग देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल फ्लोरिंग दिखाएं तो लेमिनेट फ्लोरिंग, ये आप देख रहे हैं ये लाइटर कलर है। दूसरी जो टाइप की थी वो थोड़ी सी डार्क कलर थी और उसके कैबिनेट्स भी उसके साथ ब्राउनिश थे, ये जो है वो लाइटर थीम है। तो आप देख सकते हैं कैबिनेट्स का जो कलर है वो भी वाइट कलर है, जो कि थोड़ा सा अच्छा लुक देता है घर को, जो है लाइटर जो थीम होती है यहाँ पे। उसके साथ ही फ्रिज के साथ ही सामने ये जो है हाफ बाथ दिया हुआ है, जो कि ये है हाफ बाथ। और उसके साथ यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो ये है, ओ एक्चुअली उससे पहले ये पेंट्री का काफ़ी, 2 कबर्ड्स पेंट्री का अच्छा खासा स्पेस है पेंट्री में, और उसके ऊपर भी कबर्ड्स हैं, तो बहुत अच्छा स्पेस है आपको किचन की चीज़ें सारे रखने के लिए, इनफ स्पेस है पूरे इस पूरे किचन में। उसके साथ अच्छा ये है ये पैडियो का, मैं आपको थोड़ा सा दे देता हूँ इनफ ये पैडियो में स्पेस दिया हुआ है, और यहाँ पे ये बारबेक्यू वगैरह जिस तरह देख सकते हैं पड़ा हुआ है, बारबेक्यू कर सकते हैं। और इसी तरह ये आपको यहाँ पे ये दरख्त लगे हुए थे जो कि अभी हटा दिए, थोड़े को कुछ बाकी हैं, तो ये पूरा दरख्त का जो इन्होंने अभी हटाए, लेकिन ये व्यू है यहाँ पे बाहर का, तो ये पैडियो का एरिया जहाँ पे आप लोग बैठ सकते। उसके साथ ही लिविंग एरिया, ये लिविंग स्पेस है, इसका जो स्क्वायर फुटेज है वो 1145 के करीब स्क्वायर फुटेज है इस पूरे जो टाउन हाउस है उसका। और ये जो है लिविंग एरिया जिसमें आप यहाँ पे बीच में टेबल आ गई, डाइनिंग टेबल जिसको कह सकते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे सोफे लिविंग एरिया जहाँ पे आपके
गेस वगैरह आप खुद बैठ सकते हैं, ये पूरा डाइनिंग एरिया, और फिर यहाँ पे आप जो कुछ भी रखना चाहें, टीवी वगैरह यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। तो ये है लिविंग एरिया, और नॉट बैड फॉर अ टाउन हाउस, स्पेशियस। जनरली मैंने कुछ देखे हैं टाउन हाउस बड़े कॉम्पैक्ट टाइप के होते हैं, तो इसका जो एरिया इट्स इनफ अगर आपकी जो है फैमिली मिड साइज छोटी फैमिली है। अच्छा, मैं आपको लेके जाता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, कारपेटेड स्टेयर्स, और जिस तरह हम लोग ये ऊपर चले फर्स्ट, यहाँ पे सामने ये दीवी है, ये है लॉन्ड्री, आपका वॉशर एंड ड्रायर साथ साथ दिया हुआ है। उसके बाद टू रूम्स है, टू रूम ये टाउन हाउस है, यहाँ पर है इस रूम में मैं अभी आता हूँ। अगर यहाँ पे चले तो यहाँ पे देखें, ये जो है स्पेस दिया हुआ है आपको, इनफ स्पेस, 1 2 3 4 कबर्ड स्पेस दिया हुआ है, तो यहाँ पे मेन वे में स्पेस है। और यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ का वॉशरूम, अटैच्ड वॉशरूम इन द मास्टर बेडरूम। अच्छा, ये है फुल बाथरूम, मीनिंग के यहाँ पे सिंक, इसमें सिंक भी आपको मिलेगा। और अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो ये है ऑफ कोर्स शावर एरिया। बेडरूम्स में आऊँ तो ये फर्स्ट बेडरूम जो कि मोर ऑफ अ मास्टर बेडरूम यूज़ हुआ है इस टाउन हाउस में, तो ये पूरा बेडरूम है, छोटा सा ऑफिस एरिया उस तरफ बना हुआ है। और यहाँ पे बेडरूम में दो स्टोरेज स्पेसेस और कबर्ड्स कह लें, मैं थोड़ा सा आपको व्यू दे देता हूँ, इनफ स्पेस है यहाँ पे। तो ये दो हैं, एक वहाँ पर और एक यहाँ पर, मोर ऑफ अ जो कॉन्सेप्ट जो चलता है हिम और हर का चलता है, तो या तो ये जो है, और ये स्पेशियस गुड इनफ फॉर अ टाउन हाउस बेडरूम, यहाँ पे फर्स्ट बेडरूम ये है। कुछ मैं और फैक्ट्स मैं आपको बता दूँ इस टाउन हाउस के हवाले से। ये जो है टाउन हाउस, ऑफकोर्स जिस तरह हर टाउन हाउस होता है एक्सेप्ट फ्यू, कॉन्डो कॉरपोरेशन एक होती है, कॉरपोरेशन बनी होती है, और वो आपसे फीस चार्ज करती है। जो फीस इसकी चार्ज होती है $250 पर मंथ। उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, उसमें आपकी स्नो शावलिंग, मीनिंग के आपको जो बाहर स्नो पड़ती है वो आपको शावल करने की ज़रूरत नहीं है, गार्बेज डिस्पोजल, और जो आपका जो एक्सटीरियर कोई भी डैमेज होता है बिल्डिंग पे तो वो जो है कॉन्डो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। आपका जो इंटीरियर का है, लेट्स से कि कोई इंटीरियर डैमेज होता है, आपका कॉन्टेंट्स डैमेज होते हैं, तो उसकी आपको अलग से, इसकी जैसे इस टाउन हाउस की अलग से एक इंश्योरेंस है जिसको कॉन्डो इंश्योरेंस कहते हैं। लेकिन एक्सटीरियर कोई भी डैमेज होता है, लेट्स सपोज कि यहाँ पे कैलगरी में हेल बहुत आती है, वो हेल आती है तो वो आपकी कॉन्डो कॉरपोरेशन उसकी टेक केयर करेगी। ये टाउन हाउस मौजूद है लेगेसी कम्युनिटी में, लेगेसी कम्युनिटी, ऑल्दो ये मोर ऑफ अ डीप साउथ कहते हैं, साउथ ईस्ट में आता है मेनली, लेकिन इसका जो एक्सेस है लेगेसी का, 7 मिनट्स की ड्राइव पर ही स्टोनी ट्रेल आ जाती है, उसका एग्जिट आपको मिल जाता है। और स्टोनी ट्रेल अब क्योंकि कैलगरी में रिंग रोड भी बन गई है, रिंग रोड की वजह से अच्छा क्या हो गया, आप 35 मिनट्स में नॉर्थ वेस्ट पहुँच जाते हैं, और अगर आपको नॉर्थ ईस्ट जाना हो तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। ग्रॉसरीज वगैरह यहाँ पे लेगेसी से अब दो यहाँ पे हलाल स्टोर्स आ गए हैं, अभी रिसेंटली एक ओपन हुआ है जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट की ड्राइव पे वो है, और उसके अलावा एक और उससे आगे थोड़ा सा जिसको जैक मार्ट कहते हैं, वहाँ पे भी आपको हलाल चीज़ें, आपको मुस्लिम हैं तो आपको मिल जाएंगी। मुसल्लास के हवाले से साउथ ईस्ट में यहाँ पे आसपास बहुत काफ़ी मुसल्लास है, नमाज पढ़ने के लिए आपको जुम्मे की नमाज के लिए जाना हो वैसे ही जाना हो तो यहाँ पे खतीजा इस्लामिक सेंटर के नाम से एक वहाँ मौजूद है, कार्डल रिक्रिएशनल सेंटर है शॉनेसी में, जो कि वहाँ पे जुम्मे की नमाज होती है। उसके अलावा भी डिफरेंट एरियाज़ में साउथ ईस्ट में, जैसे मैकेंजी टाउन वगैरह में, यहाँ पर जुम्मे की नमाज आपको ईजीली 10 to 15 मिनट्स ड्राइव पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। उसी तरह आपको अगर आप जो है आपका इंडिया से ताल्लुक है, आपको टेंपल्स और गुरुद्वारा मुझे नॉर्थ ईस्ट में पता है, वहाँ पे प्रॉपर वहाँ पे टेंपल्स भी हैं, गुरुद्वारा भी है। कैलगरी की अच्छी बात यह है कि एक ये छोटी सी सिटी है, तो आप मे बी 30 मिनट्स की ड्राइव करें तो आप एक साइड और वन साइड फॉर एग्जांपल साउथ ईस्ट से आप नॉर्थ ईस्ट में आराम से स्टोनी ट्रेल लेके पहुँच जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी, मैंने सोचा आपको बता दूँ। अच्छा, ये है सेकंड बेडरूम, विच इज़ मोर ऑफ अ किड्स रूम भी बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ये कबर्ड जो कि दिया हुआ है स्टोरेज, जो आप कर सकते हैं एज अ यूज़, और वॉशरूम का अगर मैं आपको दिखाऊंगी, अटैच बाथरूम।
ये भी फुल बाथरूम है जिसमें आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी, वॉशरूम और उसके साथ जो कि शावर एरिया आपको सामने मिलेगा और फिर कमोड। चलिए ये टूर था इस टाउन हाउस का। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। प्राइस मैंने आपको बता दी, स्क्वायर फुटेज बता दिया। ऑफ कोर्स 2 ईयर पहले जो प्राइस थी वो कुछ और थी। अब जो है जिस तरह हाउसिंग जो है वो यहाँ पे पूरे अल्बर्टा में ही बढ़ी है। अब आगे जाके क्या होगा कुछ पता नहीं है, लेकिन जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, वो मैंने आपको बता दी। वीडियो अच्छी लगी लाइक का बटन दबाना नहीं भूलेगा, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं है चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर देगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।